नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हाथ में माया, लेकिन जब हम स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे, तो हमें माया की भी जरूरत होगी, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होने की भी जरूरत रहेगी। और अभी वर्तमान में कोविड-19 के चलते पूरा देश और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, और आने वाले दिनों में हम इस परिस्थिति से और संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए हमको, और हम तैयार रहेंगे भी। इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज जो हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं, वो हैं पीयूष मित्तल जी हैं, जो कि एमएसएमई एक्सपर्ट हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं दीपक गुप्ता जी, जो कि सीनियर फैशन कंसल्टेंट हैं हाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में। आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि वर्तमान में कोविड-19 को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, पहले हमने देखा नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी, तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम कहीं ना कहीं स्लो हो गए थे, और जैसे जैसे वापस उबरने की बात आई तो कोविड-19 का कहर जो है पूरे देश और पूरी दुनिया में जो है फैल गया है। अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, मन में ये भय है, ये डर है कि आने वाले दिन कैसे होंगे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप इतने सीनियर व्यवसायी भी हैं, फैशन कंसल्टेंट हैं, तो आने वाले दिनों में हमारे देश की और हमारी क्या स्थिति होगी? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। देखिए, ये तो समय है, हमने कभी सोचा नहीं था कभी ये समय आएगा हमारी जिंदगी में। और ये सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं है, पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। ये जो पैनेडमिक जी हुआ है सब जगह फैला हुआ, और चाहे स्टेट कह लो, यूएसए कह लो, चाहे यूरोप कह लो, चाहे एशियन कंट्रीज कह लो, सब इससे से ग्रस्त। अब जो पहले आपने कहा जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, वो तो पास्ट है, वो हो गया। हम प्रेजेंट की जी बात करें तो बेहतर है, हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है, इस डर से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इस टाइम मुश्किल एक फेज आया हुआ है सबके लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कुछ बातें 2-4-5 हफ्ते में सब लॉकडाउन जो है सब हट जाएगा, और जिंदगी में ये तो नहीं कहूंगा नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगेगी। जी हाँ, हर इंडस्ट्री में वो ठीक होने में 5 से 6 महीने लगेंगे। जो हमारी इंडस्ट्री है, फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फैशन इंडस्ट्री मेरे ख्याल से करीब उसका जो एक मार्केट, इंडियन मार्केट शेयर है, लगभग 20,000 करोड़ का है। जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लगभग 108 बिलियन US डॉलर का है। एस्टिमेट था कि 2021 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मार्केट 223 बिलियन US डॉलर से पहुंचेगा। वहां जो एक चोट लगी है हमको, क्योंकि जो हमारा जी टारगेट था 223 बिलियन US डॉलर का, वो शायद उतना नहीं हो पाएगा, पर ठीक है। और एक बात और मैं जोड़ दूं आपको, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गिवर इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर। लगभग 45 मिलियन लोग डायरेक्टली और लगभग 60 मिलियन लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब ठीक हो जी जाएगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और निश्चित एक तौर चीज और पर है, जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, दो चीजों टेक्निकली की दीपक जी, थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है। आपकी जो तस्वीर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो तब तक मैं पीयूष मित्तल जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप आर्थिक विश्लेषक हैं, आप आर्थिक मामलों से जुड़े रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आने वाला समय जो हमारा देश है वो किन परिस्थितियों से गुजरने वाला है? जी दीपक जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपके चैनल का, और मुझे आपने मौका दिया यहाँ पर बोलने का। तो जी मैं अपनी जो बात रखना चाहूँगा आज, तो इसमें हम तीन काल हैं, एक भूत है, वर्तमान और भविष्य। जैसा कि हम जी लोग भूतकाल में हम बात करें तो हम 2008 से कंपेरिजन कर सकते हैं, और वर्तमान आप हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए नहीं है, लोगों को खाने की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को पैकेज पे पैकेज देने पड़ रहे हैं, और साथ जी में जो देखा जा रहा है कि कैसे लोगों की इतनी
जो जितने डेवलप्ड कंट्रीज होने के बावजूद भी आज बिल्कुल अपंग हो चुके हैं ऐसे देश। तो जी इसमें हम बात करेंगे दो तरह से, एक हम डोमेस्टिक लेवल पर भी कोशिश में आपको लेके जाऊंगा, एक मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको लेके जाऊंगा। तो जी बात करते हैं हम कि सबसे पहले कि हम डोमेस्टिक लेवल में, तो डोमेस्टिक लेवल में हम जो बात करेंगे सबसे पहले जाते हैं शेयर होल्डर्स की, यानी कि शेयर मार्केट क्राइसिस। यहाँ तक जी कि अब तक 40 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है, यानी कि 25% का डाउनफॉल आप देख सकते हैं हमारे शेयर मार्केट के अंदर, जो 40,000 के अप्रोक्स हुआ करता था, आज 30 और 31 के बीच में घूम रहा है। तो सबसे पहले जितने भी जो निवेशक हैं उनकी पूंजी का नुकसान उन्हें कैसे भरपाई होगी? तो दीपक जी जी, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि सरकार की पॉलिसियां, आरबीआई की क्या गवर्नेंस होते हैं, और हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि जी बैंकिंग सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है जो हमारी एमएसएमई को रिवाइव कर सकता है, हमारे छोटे लघु उद्योगों को रिवाइव कर सकता है। साथ में दीपक जी भी बैठे हुए हैं गुप्ता जी, और उन जो भी इंडस्ट्री जितनी भी तबाह हो चुकी है, जैसे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट किसी अगर इंडस्ट्री पे आया है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, यानी कि ये इंडस्ट्रियां आने वाले 6 महीने में बिल्कुल भी नहीं उठने वाली हैं, जिनके जी शेयर्स की अगर हाँ, मैं निवेशक, मैंने बताया कि निवेशक को भी साथ में लेके चलूंगा, तो उनकी स्थितियां इतनी बदतर हो चुकी हैं कि उन्हें अपने जो फिक्स कॉस्ट है, यानी कि एम्प्लॉयज की सैलरी, रेंटल जी एक्सपेंसेस, वो भी निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब इसका समाधान हम क्या लेके चलें? समाधान ये है कि गवर्नमेंट को हर सेक्टर के लिए एक अलग अलग पैकेज की घोषणा करनी होगी। लेकिन आज की बात करें तो गवर्नमेंट देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ना तो गवर्नमेंट का कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ना ही गवर्नमेंट की कोई इनकम आ रही है। रीजन, क्योंकि आप देख जी रहे हैं कि ना तो कोई टैक्स का कलेक्शन आ रहा है, इस तरह से अभी कोई इनकम टैक्स भी नहीं है, और जीएसटी मार्च महीने से बंद पड़ा हुआ है। और बात करें अन्य रेवेन्यूज की, तो वह भी काफी बंद पड़ी है। तो हमारे बिल्कुल सामने एक अगला ऑप्शन है कि आय, सरकार भी आय को कैसे खड़ी करे। तो मेरे को एक जो अर्थशास्त्री के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट अपने लिए डिवेंचर्स या बॉन्ड्स भी इश्यू कर सकती है, जिसमें गवर्नमेंट एक अच्छा इंटरेस्ट रेट दे, इससे जी निवेशक भी आकर्षित होंगे और एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के सामने आ सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट के कई रिजर्व एंड सरप्लस हैं, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि गवर्नमेंट ने आरबीआई से रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पे एक बड़ा अमाउंट अपने कोष में डाल दिया। तो जी गवर्नमेंट ऐसे कोषों को इकट्ठा करके भी, या आरबीआई के पास भी अभी काफी पैसा है, जो कि आरबीआई अपने छोटे बैंकों को वितरित करके इन व्यवसायियों को कम रेट पर अच्छे लोन प्रोवाइड करा सकती है। जी और दीपक जी, मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा कि एमएसएमई जो का जो सेक्टर है उसके अंदर हम बात करें, कम से कम 40 करोड़ लोग एंगेज हैं, यानी व्यवसायी हैं उसके अंदर, तो उनको कैसे रिवाइव किया जाए? हम अगर उनकी जरूरत के आधार पर उन्हें छोटे जी छोटे लोन बांट सकते हैं, जैसे कि हम पहले बात करते आए हैं कि मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, हमारे राजस्थान के अंदर भी हम कई अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, जिसमें आप जी लघु उद्यमिता योजना की बात कर सकते हैं, आपके क्लस्टरिंग स्कीम की बात कर सकते हैं। बिल्कुल तो अब वक्त है, असली वक्त है अब उन स्कीम्स को धरातल पे लाने का। यहाँ तक कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ग्राहक बैंक में जाता है, वो लोन की डिमांड करता है बिल्कुल लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन अब जो दीपक जी ने मुद्दा लेकर जाना चाहूंगा, अब वह वक्त आ चुका है जो कि ग्राहक को असली में लोन देने का वक्त है, और उससे यह देखते हुए कि वे किस आधार पर लोन मांग रहा है, अगर जरूरत है तो बैंक बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल जरूर उनसे लोन पीयूष देना जी, चाहिए। पीयूष जी मैं इस सवाल पर आपके पास फिर दोबारा आऊंगा। पहले मैं एक बार दीपक जी से क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, साथ ही जो फैशन इंडस्ट्री है वो भी दोनों से कनेक्टेड है, वो भी बहुत बड़े करोड़ों लोग इसमें काम करते हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग जो है वो लोगों ने जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में फैशन इंडस्ट्री के लगा रखे हैं, चाहे किसी भी तरह के हो। तो अब उन लोगों का सरवाइव कैसे हो पाएगा? पहले मैं दीपक जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो फैशन इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे लघु उद्योग में अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ में लाखों लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, पर डे उनकी इनकम हो रही थी, अब वो सारी चीजें जो है एक बार बंद सी हो गई हैं। तो अब आने वाले दिनों में आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से ये इंडस्ट्री वापस उठ पाएगी? दीपक जी हमारे हिंदुस्तान में फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसका कोई वर्ल्ड मार्केट में शेयर, इट्स 0.2% का शेयर है वर्ल्ड मार्केट में हमारे इंडियन जी फैशन का। बट यस, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा शेयर है,
टेक्सटाइल इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, लगभग मेरे ख्याल से 2000 स्पिनिंग मिल्स हैं इंडिया में, कुछ तो बहुत बड़ी हैं, छोटी हैं, जितनी बड़ी मिल्स हैं दे आर ओन्ड बाय कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ओनर्स हैं उसके, तो उनके मिल्स के प्रमाइसिस में ही उनके मिल वर्कर का रहने का सब इंतजाम किया जाता है, रहते हैं। तो वो तो शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आज भी वही पे ही है, पर बहुत सारे माइग्रेट हो गए, बहुत सारे लेबर्स जो है इसके अंदर बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल के होते हैं, लोग चले गए हैं या अपने अपने घरों की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट लॉकडाउन है मिल्स भी, तो उनका जो है मिल्स का जो डायरेक्ट खर्चा है, जैसे उनका बिजली का है, बिजली का बिल नहीं आ रहा होगा, या रॉ मटेरियल नहीं खरीदे तो उसका खर्चा नहीं आ रहा होगा, बट उनके डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हैं, वो लॉस कवर करना, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5-6 महीने में वो लोग कवर कर पाएंगे। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो जल्दी कवर कर जाएंगे, लेकिन जो छोटे जो है, छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको समय लग सकता है, हो सकता है उनके लॉसेस कवर भी नहीं, तो एक ही जो है, और ऐसा नहीं कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है, वहां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट जो है यूएसए था जी, यूरोप था, तो उनकी हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है, तो एक्सपोर्ट का बहुत नुकसान होगा। अब चाइना हमारा बहुत बहुत मात्रा में कॉटन जाता है, कॉटन यार्न जाता है जी, वो बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं हमारे। अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन की, कि लगभग 8% ऑर्डर्स जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कम हो गए, और लगभग 10% जो है टर्नओवर लास्ट ईयर से कम रहेगा, मेरे ख्याल 10% से ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब जो हाल चल रहे हैं हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा आज भी मानना है कि दो चीजों की परचेज हमेशा रहेगी, एक तो फूड की और एक क्लोथिंग की, टाइम लग सकता है लेकिन हमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर अब मैं यहाँ वापस पीयूष जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जैसा कि अभी दीपक गुप्ता जी ने कहा कि जो लघु उद्योग है, चाहे वो टेक्सटाइल के हों, चाहे वो दूसरे हों, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री के हों, उनको काफी तकलीफ आने वाली है, क्योंकि जो बड़े व्यवसायी हैं वो तो कहीं ना कहीं बैंकों से और दूसरे अपने प्रयासों से अपने बिजनेस को वापस से सेटल कर सकते हैं, लेकिन जो लघु उद्योग जिन लोगों ने लगाया हुआ था, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हों, उनको आने वाले दिनों में तकलीफ होने वाली है। तो पीयूष जी मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि जो छोटे लघु उद्योग हैं वो अपने आप को कैसे सर्वे करें, जैसा कि आपने पहले कहा था कि वो बैंकों के लिए अब आसान हो जाएगा, तो ऐसा क्या तरीका है कि वो बैंकों के पास जाएं और उनको सीधे सीधे लोन मिल जाए जिससे वो अपना व्यवसाय चला पाए। जी जी, मैं दीपक जी, मैं आपका जो हमारा ध्यान है, हम बताएंगे कि आप लघु उद्योग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमी किस चीज पर डिपेंड है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो यह एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल ऐसे है, आज अगर आप जेब से 100 रुपए खर्च करते हैं तो वह 100 रुपए कितनी बार इस देश के अंदर एक साल में घूमता है। तो दीपक जी, मैं आपका जो इंटेंशन है वो लेके जाना चाहूंगा और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि जी, आप जितने भी उपभोक्ता हैं, यानी कि परचेज पावर कितनी हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि मार्केट में कैश क्रंच को कितना अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि आप किसी छोटे लघु उद्यमी को अगर आप पैसा दे भी देंगे, अगर उसके लिए ग्राहक नहीं होगा तो वह उस पैसे को लेकर करेगा भी क्या। तो इसमें सबसे जरूरत है कि बराबर मात्रा में सभी लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए। जैसे मैं छोटे छोटे एग्जांपल लेना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, उनके पेमेंट्स अगर ड्यू पड़े हुए हैं तो वो उन तक जाए। दूसरा, हमारे दीपक गुप्ता जी भी हैं जो एक्सपोर्टर भी हैं, तो उनमें अगर आप अपने एक्सपोर्टर्स के जो रिफंड हैं उन्हें अगर टाइम पे अगर अभी पेमेंट कर दिया जाए तो भी एक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रंच आएगी, क्योंकि उससे भाई उपभोक्ता की खरीदने की पावर बढ़ जाएगी। तीसरे, क्योंकि तीसरा कि आपके जितने भी अदर जैसे इनकम टैक्स के रिफंड्स हैं, आपके छोटे एक्सरसाइज, कोई आपकी और ड्यूटीज हैं, कोई टैक्सेस हैं, उनके जो अगर बैलेंसेस गवर्नमेंट के पास हैं, तो क्योंकि क्यों ना एक दिन हम गवर्नमेंट को, उनको तो सभी अपने जो टैक्स पेयर हैं उनको वापस देना ही है, तो क्यों ना अभी इसी वक्त उसे वापस दे दिया जाए।
तो इससे सरकार की जो लायबिलिटी है वो भी पूरी हो जाएगी, और जो सरकार इरादा रखती है मार्केट में कैश क्रंच खत्म करने का वो भी पूरा हो जाएगा। इससे अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपने जो पूछा कि लघु उद्यमों के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले दो चीजों के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पैसा जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही जरूरत है स्किल की, कि आप किसी अगर ऐसे व्यक्ति को हाथ में पैसा पकड़ा दीजिए लेकिन अगर उसके पास स्किल नहीं है तो वह व्यवसाय व्यवसाय नहीं हो सकता है, क्योंकि वह उस माल को कैसे बनाएगा, कैसे उसे बेचेगा, कैसे वह अपनी परचेज पावर को बढ़ाएगा और कैसे लोगों जी व्यक्तियों के साथ वो डीलिंग करेगा। तो सरकार को आज हमें एक जो इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा सीखने को मिला है वह है कि हमारे हमारे ऊपर डिपेंडेंसी, जैसे कि आज की बात करें, आज देखा आपने कि वेंटिलेटर्स हम बनाना शुरू कर दिया है, हम लोग मास्क बनाना शुरू कर दिया है, हम जी लोगों ने आप देखिए पीपी किट्स बनाना शुरू कर दिया है, और भी कई ऐसी एक्टिविटीज जो हम, क्योंकि आज सरकार को एहसास हो रहा है कि हमें हमारे ऊपर इंटरडिपेंडेंस उनकी कितनी जरूरत है। तो पैसा और स्किल दोनों पर ही सरकार को ध्यान देना होगा। और साथ में मैं कह रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से आज हम सीखें कि हम टेक्नोलॉजी पर कितने डिपेंडेंस हैं, तो क्यों ना आज सभी के हाथ में फोन है, गवर्नमेंट को अब अपना फोकस टेक्नोलॉजी पर लाकर उनको एक्सपर्ट स्किल करने के लिए उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सस्ता भी पड़ेगा और बहुत ही आराम से गांव गांव तक लोगों तक इसके लिए पहुंचा जा सकता है। जैसे कि मैं आपका एक छोटा सा और आकर्षण लेकर जाऊंगा कि हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर, जैसे हम लोग 22 गोदाम जयपुर में ट्रेनिंग सेंटर है एमएसएमई का, वहां पर हम ट्रेनिंग देते हैं, तो हम व्यवसायी को हम एक्सपर्ट करते हैं, तो देखते हैं कि 40 से 50 से ज्यादा का एक बैच हम ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अगर जैसे आज हम बात कर रहे हैं, आज यह वीडियो लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, तो यह भी एक माध्यम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्किल पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अब दूसरी बात पे हम कहते हैं, आपने कहा कि लघु उद्यमियों के लिए बैंक कैसे काम कर सकते हैं, तो दीपक जी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजात। मैं अगर किसी छोटे उद्यमी या छोटे ग्रामीण व्यापारी या मैं छोटे व्यापारी से बात करूं कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है, तो वह बिल्कुल मना कर देगा कि यह क्या होता है, यह तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो आज जरूरत है दीपक जी की छोटे छोटे लोन जैसे 50,000 1 लाख रुपए एक बैंक, जो बैंक का मैनेजर है वह अपने थोड़ा सा, मुझे पता है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उन्हें कोशिश तो करनी ही होगी, उन्हें जाके देखना होगा क्या सच में इसको जरूरत है। उनकी जरूरत के आधार पर थोड़ा सा आपको तेजी लानी पड़ेगी बैंक को लोन बांटने में। तो दीपक जी मेरा ये कहना है कि बैंक के साथ स्किल भी बिल्कुल जरूरी है। निश्चित तौर से बैंकों को जो है अब तेजी लानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर दीपक जी मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार फैशन इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, आपने बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उनसे भी आपका संपर्क रहता है, जो लघु उद्योग फैशन में है उनसे भी आपका संपर्क रहता है। बहुत सी बार दीपक जी हमने देखा है कि लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं वो बड़ी सरल लगती है देखने में, लेकिन जब हम कोई लोन लेने जाते हैं या कोई बैंक में जाते हैं या किसी फाइनेंसर के पास जाते हैं तो बहुत ही हार्ड हमको लगता है और वो लोन मिल नहीं पाता है। तो आप क्या कारण मानते हैं कि सरकार को और लचीलापन लाना चाहिए या सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आती है उसमें कहीं ना कहीं और सॉफ्टनेस आनी चाहिए जिससे कि सीधा सीधा उनको फाइनेंस मिल सके और अपने व्यवसाय को वो सक्सेस कर पाए? जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जी जो आपने सवाल किया है वो ही करना चाहिए उनको, जो बैंक ऑफिशियल्स करते नहीं है, सब गाइडलाइंस है उनके पास। जी नीचे के लेवल पे जब हम आते हैं तो वो चीजें प्रैक्टिकली नहीं हो पाती हैं, और कुछ ऐसी धारणा बन गई है कि लोन सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, बड़े जी उद्यमियों के लिए है, और लोन उन लोगों के लिए है जो लोन वापस नहीं करे। तो एक ऐसा एक माइंडसेट बन गया है लोगों के बीच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और पीयूष जी ने बिल्कुल सही बात की है, बैंकों को लोन देना चाहिए, छोटे छोटे लोन जरूर देना चाहिए, और स्किल डेवलपमेंट बहुत होना चाहिए, जो कि हमारे आज के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बहुत फोकस करते हैं उस पर। आपको छोटा सा भी स्किल कोई कोई है डेवलप हो गया, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। सरकार ने बनाया हुआ है मुद्रा जी बैंक है जिसमें से लोन मिल सकता है, बट उसमें भी दिक्कतें बहुत आती हैं। सरकार ने बनाया तो है कानून, बट फिर भी देखते प्रैक्टिकली देखने में आया है कि लोन लेते हुए आपके बाकी जूते घिस जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अब लॉकडाउन के बाद
शायद पीयूष जी की बात सुनकर के सरकार को जगे और छोटे छोटे उद्यम को छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों को उनको लोन दे, अच्छा रहेगा जी। निश्चित तौर सर से पीयूष जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब क्योंकि सारी स्थिति सामने है कि आने वाले समय में हमें व्यवसाय के लिए हमें अपनी जॉब के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सरकार अब इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? सरकार ने जैसा कि आपसे मेरी कल भी बात हो रही थी, आप बता रहे थे सरकार एक बहुत बड़ी योजना लेकर आ रही है जिससे कि घर घर बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, तो सरकार की वो कौन सी ऐसी योजना है जिससे कि लोगों को लाभ मिलेगा आने वाले दिनों में? जी दीपक जी, मैं आज जैसे कि आज आपको पता भी होगा कि सभी मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई है, और जैसा कि कल मेरे सामने कुछ छोटी सी न्यूज़ भी आई थी कि एक बड़ा राहत पैकेज वापस से सरकार लाने जा रही है, और यह राहत पैकेज स्पेशली व्यापारियों के लिए ही होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा जिन पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो जो मेरा मानना है कि सरकार को अब क्या करना चाहिए और क्या आगे बढ़ना चाहिए, तो सबसे ज्यादा होगा कि आप व्यापारियों के लिए कि कौन से तरीके से उन्हें आप सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि आप देखा आज जैसे कि छोटा सा मेरे सामने मैंने व्हाट्सएप पे भी देखा कि सरकार एक नीति ये लाने की कोशिश कर रही है कि जो रेड जोन है उनके व्यापारियों को तो नहीं खोलेंगे, लेकिन जितने भी अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि हमारे राजस्थान की बात करें, यहाँ पे करौली जिला है, धौलपुर जिला है, उनको पूर्ण रूप से कुछ समय के लिए व्यापार शुरू कर दिया जाए, यानी कि सभी व्यापारियों के लिए 3 तारीख बाद से खोलने का एक प्रावधान ला रहे हैं, लेकिन जो रेड जोन है उन्हें अभी भी पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाए। दूसरा है कि अब हमें अगर सरकार को किसी तरह की मदद करनी है तो हमें एक्सपोर्ट के लिए भी बढ़ावा देने की जरूरत है, साथ में जो व्यापारी हैं उन्हें नए नए तरीके की मशीनें, नए नए तरीके की टेक्नोलॉजी और उन्हें नए एक्सपर्ट देने की जरूरत है। दीपक जी, हमारे देश में थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि हमारे पास आज चाइना के बराबर पॉपुलेशन है, चाइना के बराबर एक्सपर्टनेस है, लेकिन क्या होता है कि उस एक्सपर्ट को हमारे देश में सही जगह नहीं मिल पाती है, उसको सही पैसा नहीं मिल पाता है, इस कारण में बाहर चला जाता है। तो थोड़ा सा यह है कि सरकार उन एक्सपर्ट्स को हमारे जो पॉलिसीज हैं हमारे देश की, आज जैसे आज आप मेरे से पूछ रहे हैं कि पीयूष जी अब आगे सरकार को आपके आधार पर क्या करना चाहिए, तो आज मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी अपनी टीम में शामिल करें। जैसे 2008 में मनमोहन सरकार ने जब वित्तीय क्राइसिस आपको देखने को मिला था तो विपक्ष भी पक्ष के साथ में बैठकर पॉलिसी और नीतियों बनाने पर ध्यान दिया। तो आज यह है कि पॉलिटिकल एजेंडे को साइड में रखते हुए सभी वित्तीय सलाहकार आर्थिक और अर्थशास्त्रियों को अपने साथ में रखकर नई वित्तीय समस्याओं के लिए एक हम कहते हैं कि एक ढांचा तैयार किया जाए और उसी आधार पर आगे किस तरह से उसे फॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे आने वाले 6 महीने। जैसे कि आपने देखा कि पहला क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून तो बिल्कुल खराब जाना ही है, यहाँ की जब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे। अब छोटा सा मैं जो ध्यान आपको एक डाटा लेकर जाना चाहूंगा, मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा डाटा है कि मूडी जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने 1-2% की GDP ग्रोथ दी है, फिंच उसने 3-4, क्रिसिल 2.5-3.5 और RBI 3-4, जो कि 1951 के बाद की एक बहुत कम और छोटे लेवल की GDP ग्रोथ शो कर रही है, यानी कि एक मान सकते हैं कि यह एक जो 1974-78 आप जो भी आपका साल है उसके अंदर आपने देखा हो कि इमरजेंसी क्राइसिस बोलते हैं, ये एक छोटे से इमरजेंसी क्राइसिस की तरह इसको देखा जा सकता है, क्योंकि लोगों के लिए कमाने की दिक्कतें हैं, जॉब वो लोग खोने वाले हैं। आज आप सर्विस सेक्टर में बात करें 6-7 करोड़ जॉब्स पक्का जाने वाली हैं, क्योंकि एयरलाइंस का लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग होटल्स में नहीं जाएंगे, लोग थिएटर्स में नहीं जाएंगे, और लोग जितने भी क्लब्स पब्स होटल आप जितनी भी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी बात करें, वो निश्चित तौर पर पीयूष जी आपका कहना सही है कि आने वाले दिनों में संघर्षपूर्ण दिन होंगे, समय संघर्षपूर्ण होगा, लेकिन आपको और हमको घबराना नहीं है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा ठीक करना है, तरीके से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। दीपक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो फैशन है वो बदल जाता है,
वैसे भी बदल जाता है जब हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अब कोविड-19 के बाद फैशन कुछ अलग होने वाला है। तो किस तरह से फैशन में बदलाव होगा, क्या नया फैशन आने वाला है, ये हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। वेरी लाइटर नोट, अब जिस तरह की आप शर्ट पहन रहे हो उसी कलर मैचिंग का मास्क पहनना पड़ेगा जी, ऑलरेडी इन द मार्केट, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि मास्क आने वाले समय के लिए आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। जी, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ए व्हाइट मास्क, कुछ कंपनीज ने बनाना शुरू भी कर दिया है, जिस तरह की ड्रेस है उस तरह की मास्क जी। सो ने लाइटर नोट, बट हाँ अभी फैशन ठीक है, महीने में चेंज तो नहीं होता है, बट हर साल में एक बार जरूर होता है साइकिल। लेकिन अभी बहुत सारा स्टॉक मार्केट में रखा हुआ है लोगों के पास, पूरे यूरोप के, यूएस के, इंडिया के स्टोर सब बंद पड़े हैं, उनका इतनी इन्वेंट्री है उनके पास में जी। तो इन्वेंट्री पहले तो वो खत्म करेंगे, उसके बाद नया फैशन आएगा, नए फैशन के हिसाब से कपड़े बनेंगे, तो ये लंबा प्रोसीजर है। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक सीख हमको जरूर लेनी चाहिए इस पूरे लॉकडाउन या जो फेज चल रहा है अभी, कि हमको हमको मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन जो है, कि हमको अपना वन लाइन जो आपका जो सप्लाई है रॉ मटेरियल्स की, उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमको नए नए आउटलेट्स खोजने पड़ेंगे, लोकलाइजेशन करना पड़ेगा, स्मॉल बजट मॉड्यूल्स भी देखना पड़ेगा, और बहुत लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। ऐसा सर्वे में आ रहा है कि बहुत, जैसे हमारे एप्पल इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने चाइना को छोड़ के अहमदाबाद और सूरत के ऑप्शन देखने शुरू कर दिए हैं, और करने पड़ेंगे जी, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। जो नुकसान हमने उठाया है, हम एक ही मार्केट की तरफ देखते रहते हैं हमेशा रॉ मटेरियल के लिए, जो आज के तारीख में चाइना है सबके लिए, वहां एक ब्रेक आना बहुत जरूरी है और आएगा जी। तो एक ही सीख, बहुत बड़ी सीख जो लोगों को मिल गई है, एक पॉइंट पे नहीं हमें विश्वास करना चाहिए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। निश्चित तौर पर हमें जो सीख है वो हर परिस्थिति से एक सीख लेनी चाहिए, जिससे कि हम जीवन में आगे और सफल हो सकें, क्योंकि लगातार सीखने से ही हम आगे बढ़ेंगे। और हम हमारे दर्शकों से यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि अगर वो एमएसएमई या लघु उद्योगों के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो सिटी लाइव न्यूज के माध्यम से अपना संदेश हमें लिख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर लिख सकते हैं, हमारे फेसबुक पे लिख सकते हैं, जिससे कि हम पीयूष जी से उनका संपर्क करवा सकें और वो उनको अच्छी से सलाह दे सकें। अगर लोग चाहते हैं फैशन के बारे में कुछ पूछना तो दीपक गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उनका सवाल जो है उन तक जरूर पहुंचाएंगे। सिटी लाइव के दर्शकों को हर तरह से हम लाभ पहुंचाएंगे, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे व्यवसाय के लिए लोन लेना हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री के बारे में हो, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट जो हैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे। और सिटी लाइव न्यूज जो है वो वैसे भी तैयार है जी। मैं चलते चलते आप लोगों से फाइनल व्यूज लेना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। दीपक जी, एक तो पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा, पंकज जी ने बोला पीयूष जी ने बोला मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं एक्सपोर्टर नहीं हूँ, तो एक तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा जी। और मैसेज ये है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, स्टे एट होम, कीप योरसेल्फ हेल्दी, और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बहुत अच्छा समय मिला है हम सबको अपने आप को जानने के लिए, अपने परिवार को जानने के लिए, अपने बिलोंगिंग्स को जानने के लिए, अच्छा समय आएगा। निश्चित रूप से अच्छा, बिल्कुल अच्छा समय आएगा। पीयूष जी आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? जी जी दीपक जी, दीपक जी जैसा कि आपने हमारे देश के अंदर देखा है कि हमारी ज्यादातर जो जनता है वह गांवों में बसी है और जी तहसील या कस्बों की बात करें उनमें बसी हुई है, और आज आप देखते हैं कि जो गांवों और तहसील की जनता है उनके पास अभी इतने उनके ऊपर लायबिलिटीज नहीं है, यानी उनकी असेट्स ज्यादा हैं बजाय लायबिलिटीज की। जैसे कि शहरों में देखा जाता है कि शहरों में गाड़ी भी आपकी लोन पर चलती है, आपका मकान भी आपका लोन पर चलता है, तो इस कारण से जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने एक बात बोली है कि चाइना और इंडिया दो ऐसे देश हैं जो इस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर निकल जाएंगे, यानी कि और देशों की जो ग्रोथ रेट है वो तो नेगेटिव चली जाएगी लेकिन ये देश हैं जो अभी भी पॉजिटिव हैं। तो दीपक जी मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि हमारी जो
पुराना कल्चर है, हमारी जो जनता है, हमारे जो सिद्धांत हैं, उनकी वजह से आज हम अभी भी जमे हुए हैं और टिके हुए हैं। यानी बिल्कुल कि आज गांव की जनता ये कहती है कि नहीं, हमें लोन नहीं लेना चाहिए, और तहसील, जो छोटी तहसील और आप छोटे गांव देखेंगे वहां पर आपको जी ज्यादा लोन नहीं दिखेंगे। तो यह भी एक हमारे देश को सरवाइव करने के लिए बहुत बड़ा पिलर है जिनकी वजह से आज टिका हुआ है। नहीं तो आप विदेशों में देखिए कि हर व्यक्ति के ऊपर उसकी असेट्स से ज्यादा उसके ऊपर लॉन्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, लेकिन बिल्कुल हमारे देश आपका में ऐसा कहना नहीं है। सही है पीयूष जी, क्योंकि अगर हम हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी और कल आने वाला जो है वो हमारा होगा। दीपक गुप्ता जी आपका और पीयूष जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सिटी लाइव न्यूज से जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा। एक बार पुनः आपका शुक्रिया। City Live, a platform to sharing your thoughts.